प्रदेश में पन्ना जिले के पवई में एक शासकीय महाविद्यालय में छज्जे की छाप गिरने का मामला सामने आया है। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल शासकीय महाविद्यालय में गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नमो मतदाता सम्मेलन का लाइव प्रसारण हो रहा था, जिसमें पवई विधायक प्रहलाद लोधी, भाजपा व युवा मोर्चा के पदाधिकारी सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के बीच स्कूल के छज्जे की छाप गिर गई, लेकिन बड़ी घटना होते होते टल गई। हालांकि बाद में विधायक ने नाराजगी जताते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य को फटकार भी लगाई। इस दौरान वहां उपस्थित एक छात्रा ने विधायक को शिकायत पत्र भी सौंपा, जिसे विधायक ने प्राचार्य के सामने खुद शिकायतें पढ़कर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने माइक में शिकायत पत्र को पढ़ते हुए कई अव्यवस्थाओं के बारे में गिनवाया, जिनमें पुस्तकालय में बुक्स नहीं होना, शिक्षकों की कमी, साफ सफाई की अव्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था नहीं होने की शिकायतों से रूबरू करवाया। वहीं सामने खड़े प्राचार्य ठीक से जवाब देने में असमर्थ रहे या फिर गोल मोल जवाब देते नजर आए। पवई से संवाददाता अनुप शुक्ला की रिपोर्ट। मैडम ही नहीं है, कौन मैडम है जो आती नहीं है? हाँ, अंग्रेजी वाली मैम है। पूरे टीचर तो आपको बता दें कि पवई के शासकीय स्कूल का ये मामला है, जहां अव्यवस्थाओं को देखकर प्राचार्य पर विधायक नाराज हो गए। दरअसल वे कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां छत का छज्जा गिरने के बाद वहां हड़कंप मच गया और अव्यवस्थाओं को देखते हुए विधायक ने नाराजगी जाहिर की। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवई से अनुप शुक्ला जुड़ गए हैं। अनुप, आपने देखा कि स्कूल में कैसे अव्यवस्थाएं हैं। वहां जब कार्यक्रम में विधायक पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की जब छत का छज्जा गिर गया। इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने लगातार शिकायतें उनके सामने भी गिनवाई। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि आज जो मतदाता दिवस था, तो इस मतदाता दिवस को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रसारण युवाओं को और शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को दिखाया जा रहा था। इसी दौरान जो है वो छत की जो सीलिंग थी उसकी जो छाप है वह अचानक गिरती है। हालांकि जिसकी वजह से बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई थी, और इस सीलिंग के गिरने से किसी भी विद्यार्थी या स्टाफ को कोई क्षति नहीं हुई है। और हमें आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले कुछ समय पहले जो है 5 लाख रुपए मेंटेनेंस के नाम पर आए थे, लेकिन केवल लीपापोती कर दी गई है। इसके अलावा लगातार जो है विद्यार्थियों का भी ये प्राचार के विरुद्ध है, ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कक्षाएं जो है संचालित नहीं होती है। ठीक उसी समय जो है इस कार्यक्रम में हमारे जो पवई विधायक हैं प्रहलाद लोधी, वह भी मौजूद थे, और ये सारा जो घटनाक्रम था उनके सामने ही था। जब विद्यार्थियों के द्वारा ये आरोप लगाए गए तो उस पर विधायक जी जो है उन्होंने संज्ञान लेते हुए और प्राचार्य को जो है दोषी ठहराते हुए है उन पर कार्रवाई की बात कही है। जी मैम जी, अनुप क्या लगता है कब तक कार्रवाई देखने को मिल सकती है, कब तक एक्शन लिया जा सकता है? जी मैम, मैं ये बता दूं आपको कि जो है ये नवीन जो महाविद्यालय का निर्माण कार्य जारी है, तो इस जो अभी वर्तमान जो महाविद्यालय की जो भवन है इसका तो निर्माण कार्य जो है या किसी भी प्रकार का जो जीर्णोद्धार का कार्य है वो तो देखने में नहीं लगता कि होगा। जी जी,
क्यों नहीं लगता इससे, क्यों? क्योंकि ना विधायक जो हैं वहां पहले से पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में, और उन्होंने वहां मौजूद रहकर भी ये चीज देखी कि कैसे कार्यक्रम के बीच ही वो छज्जा गिर जाता है, और उसके बाद एक छात्रा जो है उन्हें शिकायत पत्र सौंपती है, वो बताती है कि ये अव्यवस्थाएं हैं, नाराजगी आखिर वो जाहिर कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि इस मामले में जहां पर बच्चों की शिक्षा का मामला है, ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी मैम, बता दें कि ये जो 5 लाख रुपए इसके पहले आए थे, ये विधायक जी के सहयोग से ही महाविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए दिए गए थे। जब भी मीडिया के द्वारा प्राचार से इस मामले में बात की जाती है, मेंटेनेंस की बात की जाती है, तो उनके द्वारा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस तरह का कोई बजट उनके पास नहीं है जिससे विद्यालय महाविद्यालय भवन का जो मेंटेनेंस का कार्य कराया जा सके। और साफ तौर पर वह अनुप जाहिर सी बात है, ये जो मामला बता रहे हैं ये विधायक के संज्ञान में होगा ही होगा। बिल्कुल जी जी जी, ये उनके सामने की जो घटना है, क्योंकि आज कार्यक्रम में वह भी मौजूद थे। जी, तो आखिर एक्शन कब तक लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी अनुप। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर आपको पवई से बता रहे हैं, जहां एक शासकीय स्कूल में अव्यवस्थाओं का जो डेरा है वो साफ देखा जा सकता है, जहां स्कूल की छात्रा भी शिकायत पत्र विधायक को सौंपती है, जिस पर विधायक साफ नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो प्राचार्य हैं, स्कूल प्रबंधन है, वो साफ दिख रहा है, गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहा है। उनसे पूछा भी जा रहा है कि आखिर अब तक जो अव्यवस्थाएं थी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते नजर आए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर कब तक और क्या एक्शन होता है।